बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे सवाल जवाब। सवाल जवाब है हमारे पास, पहला सवाल है, चच्ची क्यों नहीं चाहती थी कि चच्चा घर के कामों में दखल दिया करें। यानी चच्ची क्यों नहीं चाहती थी कि चच्चा जो है वो घर के कामों में दखल दें। जवाब है इसका, चच्ची इसलिए नहीं चाहती थी कि क्योंकि चच्चा काम कम और शोर शराबा ज़्यादा करते थे, खुद भी थकते और दूसरों को भी थकाते। यानी कि जैसे घर के बड़ों का, यानी जो घर में होते हैं बड़े जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, खुद काम करना खुद को भी नहीं होता लेकिन दूसरों को भी करने नहीं देते, तो खुद भी थकते हैं उसी काम में मुसलसल और दूसरे को भी थकाते हैं। दूसरा सवाल है, चच्ची ने धोबन को कपड़े खुद क्यों नहीं दिए। यानी चच्ची ने खुद कपड़े धोबन के हाथ में क्यों नहीं दिए। जवाब है इसका, चच्ची की तबीयत ठीक ना थी, गला ख़राब था, जिसकी वजह से हल्का बुखार भी हो रहा था, इसलिए सहन में चादर ओढ़ कर लेट गई। यानी चच्ची ने इस वजह से कपड़े नहीं दिए कि उन्हें उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी ख़राब था और जिसकी वजह से हल्का बुखार भी हो गया था, इसलिए उन्होंने धोबन को कपड़े खुद नहीं दिए थे, जिसकी वजह से चच्चा को उठना पड़ा था। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, चच्ची के मना करने के बावजूद धोबन ने कपड़े ले जाने पर क्यों इसरार किया। यानी चच्ची ने मना किया उसके बावजूद भी धोबन क्यों कपड़े लेकर जाना चाहती थी। जवाब है इसका, धोबन ने कहा कि आज इसका मियाँ भट्टी चढ़ा रहा है, यानी जो धोबन है उसका शोहर जो है भट्टी चढ़ा रहा है, यानी भट्टी पर गया है, इस लिए इसलिए दूर रह रही थी, वरना कपड़े 15 दिन बाद मिलते। यानी कपड़े जो है इस वजह से धो रही थी कि उसका मियाँ भट्टी पर गया है, अगर नहीं देंगी तो फिर ये कपड़े नहीं मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, इसलिए वो लेकर जाने का इसरार कर रही थी। सवाल नंबर 4 है, 5 मिनट में घर की हालत कैसी हो गई। 5 मिनट के अंदर अंदर चच्चा ने घर की हालत को क्या कर दिया। जवाब देखेंगे, 5 मिनट में घर की हालत ऐसी हो गई गोया आँख मचोली खेली जा रही हो, हर कोई इधर भाग रहा था, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा, किसी ने बिस्तर से कुश्ती शुरू की, कोई तौलिया लपेटे भागा जा रहा था, कोई कोने झांकता फिर रहा, और साथ साथ चच्चा के नारे भी सुनने में आ रहे थे, और सबके हाथ फूल गए थे। सवाल नंबर 5 है, चच्चा जान क्या सुनकर हड़बड़ा कर बाहर भागे। यानी चच्चा ने क्या सुन लिया था जो हड़बड़ा कर घर से बाहर भागे। जवाब है, जब चच्ची ने फिरोजी कमीज का पोंछा का पूछा के वो तो नहीं दी, जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, चच्चा जान ने उतारे बगैर ही दे दी थी, इसलिए हड़बड़ा कर धोबन के पीछे भागे, क्योंकि चच्ची जान को फिरोजी कमीज धोबन को नहीं देनी थी, बल्कि इसको इस्त्री करने के लिए रखा था। यानी वो कमीज़ जो है वो धोबन को नहीं देनी थी, उसको इस्त्री करने के लिए रखा था, क्योंकि उसमें सोने के बटन लगे हुए थे, इसलिए चच्चा जान हड़बड़ा कर घर से बाहर भागे। शुक्रिया।